हमारी सरकार बदली, मनमोहन सिंह जी हटे, तब BSNL नंबर वन कंपनी थी। ₹80,000 टावर थे BSNL के पास। तो बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार ने 2014 के बाद पूरे देश में जियो से टाई अप करके BSNL के 80,000 टावर जियो को दे दिए। जियो उसका किराया उठा रहा है। BSNL फेल हो गया। BSNL के पास सिर्फ 3G है, जियो के पास 5G है। आप मुझे बताओ, एयरपोर्ट गए, रेल चली गई। अब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, रेल में कोई बुजुर्ग आदमी जाता था तो सीनियर सिटीजन का टिकट 70% कम हो जाता था। वो सब खत्म हो गए। गरीबी, भूख, महंगाई से ध्यान हटा दिया गया है। मैं आज कह रहा हूँ, जयपुर में डिबेट चालू हो गई है। मैं लोगों से कहूंगा, डिबेट कीजिए। 2014 तक भारत ने, पूरे प्रधानमंत्रियों ने, सब ने 54 लाख करोड़ का कर्जा लिया था। 2014 के बाद इस अकेली 10 साल की सरकार ने, बीजेपी की मोदी सरकार ने 254 लाख करोड़ का कर्जा लिया। आप मुझे ये बताइए, 54 लाख करोड़ नेहरू जी, अटल जी, मनमोहन सिंह जी सब ने मिलके, और ये 254 लाख करोड़ फिर भी पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के नजदीक, जबकि इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम $61 प्रति बैरल है। मनमोहन सिंह के टाइम पे $130 प्रति बैरल था, मतलब डबल था क्रूड ऑयल। तब ₹1-2 टैक्स के रूप में ले रहे थे। आज ये ₹50-60 टैक्स में वो लगा कर ले रहे हैं। अब वक्त आ गया, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठो, भारत की सोचो। कांग्रेस बीजेपी के निशान के अलावा कैंडिडेट का नाम भी देखो, उसकी शख्सियत देखो, उसका काम देखो, डिबेट करो कैंडिडेट पर भी। आज बीजेपी जयपुर में 6 सीटें जीती विधानसभा की, हम सिर्फ 2 जीते। बीजेपी पिछली बार 25 जीती यहाँ पर, इससे पहले भी 25 जीती। बीजेपी ने एक माहौल क्रिएट कर दिया, वो मजबूत है। हम मान गए आप मजबूत। मैं लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, हम कमजोर हैं। हारे का सारार बाबा श्याम हमारा, वो 3 बाणधारी का हमने आशीर्वाद मांगा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ मिला है। इसीलिए मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मैं नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी ने अब आदेश दिया, मैं मेरी जितनी ताकत है उसको इकट्ठा करके लड़ूंगा और पूरे मन से लड़ूंगा। आप जानते हैं, संघर्ष मेरा इतिहास है, खून पसीना बहाना मेरा इतिहास है। और 6 तारीख को भी जो मैनिफेस्टो जारी होगा, जयपुर से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और तमाम नेता करेंगे, हमारी पूरी भीड़ रहेगी। कांग्रेस तैयार है इस बात के लिए। हम जानते हैं केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, लोकसभा चुनाव के बाद आप सुन लीजिए, कांग्रेस के नेताओं को भी, देश के सब नेताओं को, यदि ये बीजेपी वाले जीत गए तो देश का कोई नेता बाहर नहीं रहेगा, सब जेल में होंगे। बीजेपी वाले बाहर होंगे लेकिन लोकतंत्र को फांसी पर लटका देंगे। यदि चाहते हो लोकतंत्र जिंदा रहे, आम आदमी की आवाज जिंदा रहे, हम जिंदा रहे या मर जाएं वो इश्यू नहीं है। इश्यू यह, देश कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा, कब तक इन लोगों के जुल्म से, झूठ से हम स्वीकार करते रहेंगे। आज ये जो केंद्र की बीजेपी की सरकार, इसने जो भी वादे किए थे पहले, 15 लाख अच्छे दिन फेल हो गया, नोटबंदी फेल हो गई, पहले 500,000 का नोट बंद किया, 2,000 का नोट बंद किया। आज करेंसी को कोई पूछता नहीं है, बाहर जाते हैं तो कहते हैं भारत में तो रोज नोट बदलते हैं, भारत का नोट नहीं लेंगे। और रुपया पिट गया डॉलर के मुकाबले। इन्होंने कहा था हम लोग पूरी तैयारी है रैली की, और हम लोग 6 तारीख को बड़ी तादाद में जयपुर का कार्यकर्ता शामिल। जयपुर को क्यों चुना है और मैनिफेस्टो में क्या उम्मीद लगा रहे हैं? जयपुर को इसलिए चुना है कि हम पिछली बार 25 सीटें हार गए। राजस्थान से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं और कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में 15 से ज्यादा सीटों पर बहुत अच्छी पोजीशन पर, और कांग्रेस हाथ जोड़ने के लिए आ रही है राजस्थान की जनता। इनको 2 बार 25-25 दिए, हमें मदद करो, हमें मौका दो। जिस देश में हमने राइट टू फूड दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू वर्क दिया, सारे काम हमारे हैं, हमें आशीर्वाद दो। काम के आधार पर वोट करें, देश के नाम पर वोट करें, नहीं तो ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये एजेंसियों के दम पर राजनीति कर रहे हैं। मैनिफेस्टो की थीम क्या रहेगी? मैनिफेस्टो की थीम एक ही है, सबको रोजगार, महंगाई से मुक्ति और नफरत की राजनीति बंद। भारत दुनिया में सबसे आगे आकर खड़ा हो, तिरंगा मेरा धर्म हो, तिरंगा मेरी आन बान और शान हो, सब मिलकर नफरत की राजनीति खत्म करके हिंदुस्तान को सबसे आगे लेकर जाएं।
युवाओं के लिए एक ही संदेश है, जवानों आओ। मैं यूथ मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब आया तब बीजेपी कांग्रेस दोनों को हराकर राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना। आज मुझे नौजवानों की जरूरत है, मेरी बची हुई ताकत में से मैं मेरी जान लड़ा दूंगा, लेकिन नौजवान माँ बहन बेटी का साथ मिला, आशीर्वाद मिला तो हम जीत कर जाएंगे, तो हमारी जिंदगी हमारी जान जनता पर न्योछावर होगी। हम देश के लिए लड़ेंगे, लोकसभा में पहुंच गए तो जयपुर गूंजेगा, लोकसभा में देश के लिए लड़ेगा।